वेलकम बैक। और ये वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा, सिर्फ 5 मिनट का। मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। लास्ट के 48 आवर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। आप लास्ट के 48 आवर्स में कितना पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करते हैं, कितना आप अपने पर भरोसा दिखाते हैं और कितनी बार आप एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए तैयार हैं कि ठीक है, आप तो जो पढ़ लिया आप तो और कुछ ऐड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सब नहीं। जो पढ़ लिया कम से कम उसको रिवाइज करिए। रिविजन का तरीका कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। मैं कैसे रिवाइज करता था, होप किसी को वो अच्छा लगे या नहीं लगे, वो डिफरेंट है। मैं बैठता था सुबह में, जब भी मैं उठा, मान लीजिए बैठा, नहा धो के बैठता था, जब स्टार्ट करता था, पंखा वंखा सब बंद, कोई पंखा नहीं चलेगा, कोई एसी वेसी तो हमारे घर में कभी होता ही नहीं है, तो पंखा बंद किया, ठीक है। चैप्टर खोला कि अभी मुझे एसएनटी करना है, एसएनटी के जब जितने भी मैंने सवाल बनाए थे, जो मैंने कभी मार करके रखे थे उसको देखा, जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, जैसे पहले मैंने नोट्स पढ़ा, मैं नोट्स को देखता था या मैं अपने, तो आँख बंद करके मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये याद है, ये याद है, यहाँ पे ये हो गया, ऐसे करके करना चाहिए। डिसाइड कैंसर के लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये उसके लिए हो गया। अपने आप को पुश करो, पुशिंग द लिमिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये क्यों नहीं याद आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है। मेंटल फटीगनेस मत लाने दो, मतलब दिमाग को एक्टिवेटेड रखो। ओके दिस हैपेंड, ये अच्छा ये चल रहा है, अच्छा आगे बढ़ते, ये हुआ, ये हो गया, ओके यहाँ तक फिनिश हो गया, ठीक है, हमको यहाँ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये पेज मेरे से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत क्या होता है, जो डिस्ट्रैक्शन लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन होता है फेसबुक से, वो तभी होता है जब लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने पे इम्फेसिस डालते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप सोचते चलो थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा गाना सुन लेते हैं। कोई गाना बाजी नहीं, गाना सुनना है, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, लेकिन जब आप 2-3 घंटा पढ़ लें तब अपने आपको आप रिवॉर्ड करिए, यहाँ मैंने अच्छा पढ़ाया, या कुछ खा लिया, कुछ ये कर लिया। ये नहीं कि खा रहे हैं चौक का इस नाम से कॉफी पी रहे हैं कि हम अपने आपको एक्टिवेटेड रखेंगे, आधा टाइम आधा दिमाग कॉफी पीने में ही लगा रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। आपको 2-3 घंटे शिद्दत से एकदम बिना हिले डुले का मतलब होता है कि एकदम फोकस के साथ, जितना पसीना बहता था उतना मुझे लगता था कि मुझे उतना समझ में आ रहा है। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक्टिवेटेड रखें, आप पैसिवली नहीं पढ़ सकते हैं। लास्ट के 3 दिन है डर, यही सोच के कि हे भगवान क्या होगा, पता नहीं, इतना ही पढ़े, हो गया भाई, वो सब का टाइम खत्म हो गया। इतना ही पढ़े, उतना ही पढ़े, कितना ही पढ़े, जितना भी पढ़े उसको, तो आपको गाड़ी खींचना है, राइट, उसी पे गाड़ी खींचना है। ये हो गया, क्यों नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस पेज में फोटोजेनिक मेमोरी किसी का नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, किसी का ही होता है। यहाँ पे ये था, मान लो कि इस पेज में लेट मी शो यू द नोट्स, कुछ ऐसे नोट्स कभी मैंने बनाए थे वो अभी नहीं है। ये तो मेरे मेंस के नोट्स हैं, तो मैं मेंस के लिए ऐसे ऐसे A4 रख बनाता था, अभी तो मैं A4 में नहीं लिखता हूँ। तो जो मैंने बोला भी है कि मैं कहाँ यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है शायद, ये देखिए, ये मेंस के लिए मान लीजिए मेरा A4 का नोट, ये सॉरी ये तो कुछ और ही है, ये मेरे UPSC इंटरव्यू के नोट्स हैं, सॉरी वो भी मैं डिस्कस करूँगा कभी। ये है मेरे मेंस का नोट्स, मान लीजिए इस तरह से, तो मैं बस उसको देखते रहता था, अच्छा ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये मार्कर से मार्क किया, पेन से किया, पेन रखता हूँ हमेशा एक पास में, यहाँ पे किया, क्यों नहीं याद आया था, क्या कहाँ मिस हो रहा है, ये चीज़ क्या हो रहा है। अच्छा दिमाग को फिट करते हैं, दिमाग को टाइम देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं उसको बैठ के अच्छे से, ओके ये हो गया, अच्छा ये स्कीम इससे है, जिज्ञासा इससे है, देन वज्र इससे है, अपना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा से ये है, प्राइमरी से ये है, बस समझ गया, ओके गुड, वेरी गुड। तब जाके कॉन्फिडेंस तब नहीं आता है जब व्हाट वी मेक द एरर, वी रीड एवरीथिंग बट वी नेवर केयर टू रिवाइज दैट, वी नेवर केयर टू फिट इट इन टू स्टेबली। जो न्यूरॉन फॉर्मेशन होता है, व्हाट आई रीड इन साइकोलॉजी इन जनरल ऑल्सो, न्यूरॉन फॉर्मेशन विल टेक सम टाइम, अंटिल अनलेस आप उसको बार बार हिट करते हो वो न्यूरॉन डेवलप नहीं होता है, और उसको आप कभी डेवलप करने का कोशिश भी नहीं करते हैं, आप उससे बस इन्फॉर्मेशन ले लिया, कहीं ना कहीं से किसी तरह से याद हो जाएगा। और यही रीजन है फंडामेंटली कि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जामिनेशन सेंटर में, तब आपको लगता है अरे यार ओ माय गॉड पूरा ठीक से देखा नहीं मैंने। और होता यह है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मुझे भी होता है, मेरे साथ भी, शिट यार आज तक कभी सोचा ही नहीं कि कैबिनेट फॉर्म में गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, अरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट आता भी है पार्लियामेंट के साथ कि नहीं आता है, मतलब ब्रॉडर डेफिनेशन है, साउंड कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, और हम वहाँ पे भयानक कंफ्यूज हो जाते हैं, भयानक है कि नहीं। एक तो ऑलरेडी प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, दूसरा कंफ्यूजन होता है, तीसरा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ जाता है, और पूरा हेलुसिनेशन हो जाता है कि अब क्या करें, अब तो भाई हो गया, छोड़ देते हैं, ये हो जाता है। उसी में जो इंसान, जो भी हमारे दोस्त हैं, अपने आप को प्रिजर्व करेंगे उस कॉन्फिडेंस को, जितना नंबर आ रहा है यार, अरे तुमको 40 ही नंबर आ रहा है, मतलब मेरी अपनी बहन वो देने के लिए जा रही है, उसको उसका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने बोला तुम जाओ और एक खेलो, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो उससे कुछ मतलब भी नहीं बनता, अगले साल के लिए तुम्हारा ये होगा। जो 40-50 नंबर तुम ला सकते हो, तुम देखो अपना पोटेंशियल पे, जो भी तुमने पढ़ा है तुम पढ़ो। अभी मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर दूंगा तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है कि 40 से 100 हो जाएगा एक रात में, 80 है तो हो भी सकता है, 60 है तो बड़ा डिफिकल्ट है। पहले बार मेरे 60-70 ही आते थे विजन, तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं कहाँ तक खींच पाऊंगा। सो मेक श्योर कि पूरा लगा दो, मतलब पूरा झोंकने का मतलब होता है कि
पढ़ा, ये नहीं कि 3 घंटे पढ़ने के बाद रिलैक्सेशन ले रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, या कोई लास्ट में क्या होता है ना, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना लाएंगे कि फाइनल टेस्ट फॉर दिस, फाइनल टेस्ट फॉर यूपीएससी, राइट, एकदम हॉटेस्ट क्वेश्चंस दैट विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम, इस तरह का डालेंगे और डालते हैं लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है कि कौन डालने वाला है, ठीक है, और वो डालने के बाद वो ऐसा फियर क्रिएट करेंगे कि अरे ये 100 क्वेश्चन से तो 2-3 क्वेश्चन आ ही जाएगा, आपको ये डर लगा देगा कि इसी से आने वाला है 4-5 क्वेश्चन, तो कहीं ये मेरा 100 छूट गया, ऐसे 1000 क्वेश्चन आपको छोड़ने होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सारा क्वेश्चन थोड़ी ना कर सकते हो, 1000, 2000, 10000 जितना आपका पोटेंशियल उतना किया, बाकी तो करोड़ों क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई शंकर आईएएस, कोई विजन का, इनसाइट्स का, आईएएस बाबा सब, या फोरम आईएएस सब कैसे बना सकता है यार, दैट इज इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल, स्टूपिड, जो किया है ऐसा ऐसा लास्ट में फियर साइकोसिस में मत पकड़ा जाना कि दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, जो आना है वही आएगा, अगर आपने विजन के मॉक बनाए हैं विजन के मॉक रिवाइज करिए, अगर आपने इनसाइट्स का बनाया है इनसाइट्स का रिवाइज करिए, वैसा मॉक रिवाइज करिए जिसमें आपके ज्यादा नंबर आते थे, जो आप अच्छा करते थे, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं 120 लाता था, अल्टीमेटली सारा खेल कॉन्फिडेंस का है और नॉलेज का है और बेसिकली हार्डवर्क का, ये तीनों जब मिक्स होगा के एच और सी, तब आपका जाके अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है, सो करते रहिए, अब तो मतलब मार्केट में एक तरह से समझिए कि ये भी आ गया है, पूरा नोट्स भी आ गया है, तो आपको अगर पूरा नोट्स पे भरोसा है उस पे पढ़िए, अगर आपको नहीं भरोसा है मत पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप पढ़िए यार, मैं तो इससे एग्नोस्टिक रहता हूँ, निकालने से फायदा है कि नहीं, आप निकालिए, आपका भला हो, आप अच्छा करें, आपका परिवार को अच्छा लगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्स क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल इज द इंपॉर्टेंस, ठीक है, 10,000 लोग जाने वाले हैं, प्रैक्टिकल रहिए, ये मत करिए कि नहीं नहीं मेरे सर 60 नंबर आ रहे हैं 50 नंबर आ रहे हैं मैं तो कर ही लूंगा, वेल एंड गुड हो जाता है, तो नहीं होता है तो फिर भी देर इज नो हार्ड एंड फास्ट इन टू दिस प्रोसेस, करते हैं फिर से मेहनत करेंगे, पर मेहनत नहीं करने के बाद ये बोलना कि हाँ लक के कारण मेरा नहीं हुआ, वो सब गलत है भाई, और जिसका हो जाए उसका मेहनत नहीं समझना और उसको बोलना कि इसका लक के कारण हो गया वो भी गलत है, सब तरीके से आप लक को दोष देने के चक्कर में रहते हैं क्योंकि आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, सो ट्राई टू इंक्रीज दैट कॉन्फिडेंस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, अपना जो होता है बाहुबली बनिए और महिष्मती के नाम पे जाइए और लड़के आइए, ठीक है, जय महिष्मती, ऑल द वेरी बेस्ट, विल सी इन द इवनिंग इफ वी कैन मेक अ वीडियो, एल्स इन टुमारो बाय टुमारो आई विल फिनिश ऑल द वीडियोस एंड देन ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल विल डू एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस दैट जो हमारे नोट्स में ही, नया क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, मुझे पता है सब इसी से आने वाला है तो नया करने का फायदा क्या है, ठीक है, और एक चीज है कि मैंने पूरा नोट्स एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बनाया है, जस्ट कोई बोस्टिंग नहीं करूंगा, नहीं मुझे कोई बोस्ट करने का मतलब होता है यार, तो अगर आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से नोट देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कोचिंग कभी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं पाया है, स्टूडेंट को ये नहीं चाहिए कि तुम सारा चीज कवर कर दो, स्टूडेंट को चाहिए तुम ये कवर करो कि क्या आ सकता है वो बता दो भाई कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना चीज नहीं पढ़ सकता है, कोचिंग तो 10 निकाल देता है पीडीएफ, 10 PDF थोड़ी ना पूरा आदमी पढ़ सकता है, 8 PDF वो भी 80-80 पेज का, 640 पेज जिसमें सब वो बोलते इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उसको पहले कंडेंस किया कि गार्बेज मटेरियल खत्म किया जाए, जो मुझे लगता है हो सकता है कंडेंस करने में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल साफ हो गया हो, उसके बाद भी मैंने आपको ये हर नोट्स में इंश्योर किया कि मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं इसके लिखने के लिए, मैं वो थोड़ी ना करने वाला हूँ, मतलब मुझे कोई क्लेम थोड़ी ना करना है कि इतना आया मेरे से उतना आया, मेरा वो इंटेंशन ही नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतना आया और इतना मेरे से बन पाया, आपका फायदा हो, क्लेमिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो आप नोट्स को देखिएगा, मतलब नोट्स में टाइम लगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट्स को देखिएगा, अगर एफर्ट डाला गया है तो यार जब तक आप एफर्ट को यूटिलाइज नहीं करते तो फिर कोई एफर्ट का फायदा नहीं है, अब भी टाइम है, अगर आप थर्सडे को ही सारे नोट्स भी देखें तो आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, एक दिन में आप सारा रिवाइज कर सकते हैं, जहां कन्फ्यूजन है सिर्फ नोट्स पढ़िए, जहां कन्फ्यूजन है तभी जाके वीडियो सुनिएगा, वो भी आपको अगर तेजी से सुनना है तो 2x पे, जहां गार्बेज लगता है जो मैं बोलता हूं आगे बढ़िए खटाइए, वो सब कोई इमोशनल फीलिंग नहीं, बी वेरी प्रोफेशनल, हैव द किलर इंस्टिंक्ट, अनटिलनेस यू हैव द किलर इंस्टिंक्ट यू विल नेवर सक्सीड, द फाइनल थिंग आई वाज गोइंग टू से इज इंडिया, और याद रखिएगा पहले इंडिया क्रिकेट खेलता था, ये आएगा, ये इनसाइट्स का आर्टिकल आया तो अच्छा है, नहीं आया तो गड़बड़ है, तो इंडिया जब क्रिकेट खेलता था पहले तो हार जाता था, सचिन बेचारा रन बनाता था फिर भी हार जाता था, और ये सच्चाई है, इंडिया हॉकी खेलता था तो लास्ट के 1-2 मिनट जब बचते थे तो इतना डर लगता था मुझे, मैं हॉकी बहुत देखता हूँ, मैं सारे गेम देखता हूँ, क्रिकेट हॉकी सारे गेम देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सारा गेम, तो हॉकी में क्या होता था देखते थे ओलंपिक में जा, ऐसा मतलब लगता था, मतलब इतना ससपेक्टेबल वनरेबल हो गया था कि वी ऑल न्यू कि इंडिया विल गेट अ गोल, उल्टा गोल पड़ जाएगा लास्ट में, अगर ड्रॉ हो रहा है तो हार जाएगा, जीत रहा है तो ड्रॉ कर लेगा, तो बेसिकली लास्ट मोमेंट्स पे जो एंजाइटी क्रिएट होता है कि जीतने का जो अंदर से ये आ जाता है ना पैशन कि नहीं नहीं मुझे जीतना ही है, उसके साथ जो इमोशनल कनेक्ट आ जाता है कि नहीं नहीं बापरे मुझे करके दिखाना होगा, तो उसके कारण ही आदमी हारता है, तो वही आज देखिए आज चेंजेस आ गया है, आज विराट कोहली आ गया है, आज MSD आ गया है, हमारे कैप्टन कूल विराट कोहली आ गया है, तो बेसिकली अगर फ्लैटेड ट्रैजेक्टरी पे आया
ठीक है सवाल, अगर फ्लैटर ट्रेजेक्टरी में आया एग्जाम में तो भैया शर्मा जी के बेटे के जैसा 200 शतक मतलब वैसा रन बनाइए, दबा के मारिए पूरा, फ्लैट ट्रेजेक्टरी रहेगा वैसे क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, छक्का छक्का पूरा मारिए। ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा तो चेस करिए जैसे अपने विराट कोहली चेस करते हैं, इंड तक लेके जाइए, बने रहिए क्वेश्चंस के साथ, खेलते रहिए, मतलब लास्ट तक पेपर को देखते रहिए, समझते रहिए। ये नहीं कि पहले ही मन बना लिए कि गए अब तो हम गए। कुछ लोग क्या होता है कि 100 के 100 क्वेश्चन देखते हैं, वैसे मन नहीं करना चाहिए एग्जाम में, क्वेश्चन वन बाय वन देखना चाहिए, पहले फील नहीं लेना चाहिए कि फील ले लेते हैं पेपर का, फील लेने में डर जाता है आदमी, कोई एक हार्ड क्वेश्चन पीछे था उसका सोच सोच के आगे का क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो कोई फील विल नहीं लेना है, एकदम प्रोफेशनली खेलना है, वेरी प्रोफेशनल, और अपने माही भाई से सीखिए, एमएसडी से, एमएसडी इज द लीजेंड, ही विल टेक द गेम डीप। हार जीत तो बाद में देखा जाएगा, डीप तो लेके जाता है ना, आखिरी ओवर तक तो एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, आखिरी पेपर तक करते करते, तो वो एक्साइटमेंट ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन शुड नॉट डाई आउट। बहुत लोग का वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। आज इंडियन हॉकी टीम भी काफी फॉर्मिडेबल बन गई है, काफी प्रोफेशनल खेलते हैं लोग। आपको भी एग्जाम में प्रोफेशनल खेलना पड़ेगा, इमोशंस को दूर रखिए, किलर इंस्टिंक्ट के साथ जीतने के लिए खेलिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता था, जैसे अब इंडिया खेलता है, ठीक है, जैसे CSK खेलता है। तो ठीक है, इस तरह से खेलिए, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो दिखेगा ही, आप सब में क्षमता है, आप सब में पोटेंशियल है, आप करोगे और आपको ही करना होगा, कोई आपके लिए नहीं करेगा। ये भी मैंने लिखा है इनसाइट आर्टिकल में, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपका हबी आपके लिए नहीं करेगा, अल्टीमेटली जाके टेस्ट और OMR आपको ही मार करना है। इसलिए अभी जो भी रिलेशन में, जो भी मान लीजिए जिसका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा यार, लास्ट का लड़ाई झगड़ा काफी आपका टाइम बर्बाद करेगा, मूड को ऑफ कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा। लेके चलिए पैरेलली उनको, और अच्छे मूड में रहिए, खुश रहिए, है कि नहीं, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अच्छा अच्छा बात सुनिए, अच्छा अच्छा बात करिए सबके साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अब मेरा टाइम भी हो गया ऑफिस का, ऑलरेडी हो चुका है 2 घंटा लेट, अब मुझे जाना पड़ेगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज वीडियो डाल दीजिएगा प्रवीण, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो सी इन यूट्यूब। एंड आई जस्ट सिंपल विश कि अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको फायदा होता है तो आप वीडियो सब्सक्राइब सब्सक्राइब मत करिए, आप वीडियो जहाँ आपको लगता है शेयर कर लीजिए यार, क्योंकि लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जिनको नहीं अच्छा फीडबैक या पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है। तो इफ यू वॉन्ट यू कैन शेयर, एल्स इट्स योर लाइफ। ठीक है, चलिए, बाय, टेक केयर।